नमस्कार, जनसारथी न्यूज में आपका स्वागत है। बात करेंगे अटल जी की जयंती की। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को देश भर में आज उनकी जयंती के दिन याद किया जा रहा है। अटल जी की याद में मध्य प्रदेश में भी गौरव दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में ग्वालियर में भी सुबह से उनके पैतृक निवास पर पुष्पांजलि देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का तांता लगा रहा। बीजेपी अटल जी के जन्म दिवस को आज गौरव दिवस के रूप में मना रही है। अटल जी की याद में विभिन्न आयोजन किए जाएंगे और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। आपको बता दें कि अटल जी का जन्म ग्वालियर के शिंदे की छावनी में कमल सिंह का बाग के निवास पर हुआ था, इसीलिए अटल जी के निवास पर सुबह सबसे पहले पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान अटल जी के भांजे और पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा, भाजपा जिलाध्यक्ष अभय चौधरी सहित बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता भी यहाँ मौजूद रहे। आज ग्वालियर के लिए भी गौरव का दिन है और गौरव दिवस के रूप में हम लोग आज मनाते हैं। आज हमारे श्रद्धेय नेता माननीय अटल जी का जन्मदिन है और ग्वालियर वासी इसको बड़े धूमधाम से मनाते हैं और आज उनके निवास पे सुबह पूरे शहर के नागरिक आज एकत्रित होते हैं, हो रहे हैं सुबह से, और सुबह से लगातार पुष्पांजलि उनके चित्र को हो रही है। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे शहर में ऐसे नेता ने जन्म लिया जिसका दुनिया में आज नाम है। उनकी शालीनता, सौम्यता, सहजता, ये गुण हमारे सब कार्यकर्ता लेने का प्रयास करते हैं। अटल जी की स्मृति में एक भवन भी बन रहा है और आज गौरव दिवस के रूप में एक बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम ग्वालियर में होता है। महाराज बाड़े पे मुख्य उत्सव आज रात को है जिसमें माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, विधानसभा के अध्यक्ष जी, माननीय महाराज साहब, ये सब लोग यहाँ इसमें रहने वाले हैं। देखिए, ग्वालियर में जो ग्वालियर के हर नागरिक के मन में रचे बसे हैं वो, और ग्वालियर के नागरिक उनसे अपार स्नेह करते हैं और उनके लिए जो चाहे उनका स्वभाव जैसा उनका व्यवहार, और यहाँ पे लाखों ऐसे लोग हैं जिनने कहीं ना कहीं किसी भी क्षण अटल जी के साथ हो रहे हैं, और मैं भी वो सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ जिन्होंने थोड़ा सा मुझे अवसर कभी उनके पास बैठने का या उनके किसी कार्यक्रम में भाषण सुनने का मुझे अवसर मिला। जनसारथी न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।